जाता है। इस समय वर्तमान में पीने लायक पानी केवल 4% बचा है। हमें किसी न किसी तरह उस पानी को भी बचाना चाहिए। हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा पानी कम से कम वेस्ट हो और हमें पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। पानी की रक्षा देश की सुरक्षा है। धरती में पानी, शरीर में पानी, दैनिक उपयोग में पानी, तो सोचो कैसा होगा अगर कल ना हुआ पानी। और हमें हर एक बूंद, एक एक बूंद को सेव करना चाहिए। सेव एंड ग्रो अवर वर्ल्ड, डेवलप और एज, मतलब हमारा जो धरती है वो पानी पर ही विकसित हुई है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं महिमा जनता कन्या इंटर कॉलेज शिवपुरी खटोली से। मैं आप सभी को वर्षा के जल द्वारा विभिन्न प्रकार की सिंचाइयों के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा जो मेन है वह है वर्षा का जल। मुख्य स्रोत हमारा वर्षा का जल है। हमने यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा किया है। इस इकट्ठे किए हुए पानी को हम सिंचाइयों में देंगे। वैसे तो सिंचाई कई तरीकों से की जाती है, पर हम यहाँ पर 3 तरीके की सिंचाइयाँ दिखा रहे हैं। हमारी पहली सिंचाई है बांस द्वारा टपक सिंचाई। टपक सिंचाई की खोज इसराइल में सिंचा ब्लेज ने की थी। हमने यहाँ पर बांस लगाए हैं। वैसे इस सिंचाई को पाइप द्वारा अंडरग्राउंड होती है ये सिंचाई, पर हमने बांस लगाए हैं क्योंकि बांस नेचुरल होते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसमें बांस से देख सकते हैं पानी बहता है। बहते हुए पानी में हमने बांसों में कई जगह पर छेद किए हुए हैं कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर, जिससे पौधे बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में पानी गिरता है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हमारे 70% तक जल की बचत होती है। इससे हमारे जो पौधे हैं वो अच्छी तरह विकसित होते हैं क्योंकि उन्हें धीरे धीरे पानी मिलता है। इससे हमारी जो खाद है उसकी भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। और जो हमारा पानी है वो जो एक्स्ट्रा जो हमारा पानी बहता हुआ आता है उसे हम और पौधों में भी दे सकते हैं। इस तरह की सिंचाई में कई तरीके के पौधे, जैसे कि बागवानी पौधे, फूल, गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूल, इन सब इत्यादि की हम सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई है हमारी PVC पाइप द्वारा सिंचाई। इस पाइप का जाल बनाया जाता है। खेत में जाल बिछाया जाता है, कुछ सेंटीमीटर पर इस पाइपों में छेद किए जाते हैं। इस पाइप का हमारा स्रोत, हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं, वर्षा के जल से या किसी भी जल के स्रोत से भी कर सकते हैं। इस सिंचाई के भी बहुत सारे फायदे हैं, इससे भी पौधे बहुत अच्छी तरह से होते हैं। यह हमारी फसल द्वारा सकते हैं। ये है हमारे गार्डन एरिया वाली सिंचाई। हम इससे हम किसी भी तरीके का पात्र ले सकते हैं। हमने यहाँ बोतल ली है क्योंकि बोतल जो है प्लास्टिक की है, इससे हमारा कोई खर्चा नहीं आता है। वेस्ट बोतलों को हम यूज़ कर सकते हैं। इससे भी पौधों में टपकती है और टपकते हुए पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। इससे भी पौधे बहुत अच्छी तरह विकसित होते हैं। और ये जो है हमने जो कुछ खादें बनाई हैं, जैविक खाद बनाई है हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमने कई तरीके से खाद बनाई है। पहली खाद है हमारी अंडे के छिलके और केले के छिलके से बनी खाद। इसमें जो होता है, हम अंडे के छिलके को और केले के सूखे हुए छिलके का पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट में को हम बहुत अच्छे फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें जो है अंडा है, अंडे में कैल्शियम होता है और जो केला है उसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो पौधों की जो जड़ें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। दूसरी है हमारी सब्जियों के छिलके से बनी और अपशिष्ट, रसोई के अपशिष्टों से बनी खाद। ये खाद भी हमारे पौधों के लिए बहुत लाभदायक होती है। इससे पौधों में बहुत अच्छी तरह विकसित होते हैं पौधे। तीसरी खाद है हमारी केले, दही और गुड़ से बनी खाद। इस खाद में हम केले और दही और गुड़ का जो है वो पेस्ट मिश्रण बनाते हैं। उस मिश्रण को हम फिर इसमें कुछ दिनों के लिए रखते हैं, जिसमें इनमें बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। इन तीनों सिंचाइयों से हम खाद का जो है इन तीनों सिंचाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक फल एक पात्र में मतलब एक वो लेकर तीनों खाद मिलाकर के उसे वर्षा के जल मतलब अपने जल के स्रोत में मिलाकर सिंचाई कर सकते हैं। ये खाद, इससे हमारे श्रम की बचत होती है, पैसों की बचत होती है, वक्त की भी बचत होती है और पौधों को अच्छी तरह से उनका विकास होता है। और सबसे मेन जो है हमारा है पानी की रक्षा देश की सुरक्षा। में पानी बचाना चाहिए। बूंद बूंद पानी हमारे लिए बहुत कीमती है। इस समय ये बात हमारे देश के सभी नागरिकों को देखनी चाहिए। धरती में पानी है, शरीर में पानी है, दैनिक उपयोग में पानी है,
तो सोचा कैसा होगा कल फिर तुम बिना पानी के। फिर एवरी ड्रॉप आवर वर्ल्ड डेवलप ऑन द वाटर। आवाज़ क्यों नहीं होती?